आज हमारा फोर्थ डे है इस्तांबुल में और आज हम जा रहे हैं हेगिया सोफिया जो कि यहाँ की बहुत फेमस मॉस्क है। फर्स्ट डे हम आए थे और हम इसी प्लान से निकले कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम गलती से जो है तो पैलेस जो है तो बाकी पैलेस वहाँ चले गए। आज हम दोबारा से जा रहे हैं वहीं पे क्योंकि दूसरी साइड पे मॉस्क है, तो चलें चलते हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, ये काफ़ी चढ़ाई है। तो कल हम इस पैलेस आए थे फर्स्ट डे, आज हम उस साइड जाएंगे। थैंक यू रोस्टेड चेस्टनट्स। पहले दिन हम आए तो हमें लगा कि ये आलू हैं छोटे छोटे, पर मैंने पढ़ा तो उसमें था कि रोस्टेड चेस्टनट आप लोग टर्की आए तो ज़रूर खाएं। कल भी हमने लिए थे और आज भी हम खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छे चेस्टनट हमने खा लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। अब हम चल रहे हैं की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। 3 दिन पहले हम इधर गए थे, ये पैलेस है, और आज हम इस साइड जा रहे हैं। हम पहुँच गए हैं एंट्री के लिए, लाइन है, लाइन काफ़ी लंबी लग रही है बट है इतनी लंबी नहीं, और एंट्री फ्री है बट स्टिल क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट है कि आपको लाइन में लग के अंदर अगर आप देखें वो लाइन है और यहाँ से एंड लाइन है। चले एंटर होते हैं हम लाइन में लगे हैं। गाइज हम एंटर हो रहे हैं हेगिया सोफिया, तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हेगिया सोफिया जो है वो द ग्रेट मॉस्क ऑफ हेगिया सोफिया या फिर द चर्च ऑफ हेगिया सोफिया के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनली ये चर्च था जो कि 360 AD में बनाया गया था, और एक ख़ास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि ये ओरिजिनली ऐसा नहीं था और काफ़ी दफ़ा इसको डिबॉलिश किया गया और फिर बनाया गया। इसको जो है बेस्ट आर्किटेक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इस्तांबुल में कहा जाता है, और इसको एक जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन बिज़ेंटाइन एम्पायर का, उसने बनाया था। लेकिन उस टाइम ये चर्च नहीं था, ये ग्रीक चर्च के लिए बेसिलिका था। 2 दफ़ा इसको आग लगी और उसके बाद 2 दफ़ा ये क्योंकि इसका जो डोब था इसका वज़न बहुत ज़्यादा था तो उसकी वजह से ये गिरा भी और दोबारा से बनाया गया। और अब जो हमारे सामने ये दिख रहा है इसको 1500 साल हो गए हैं बने हुए। जब बेज़ेंटाइन एम्पायर का फॉल हुआ और ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ तो इस चर्च को जो है वो मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद इसको म्यूज़ियम बनाया गया और अब टर्की ने दोबारा से इसको
मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया है। फेमस चीज़ है बिग पोटैटो, वो मंगवाया और साथ एप्पल जूस और फ्रेंडा। तो चलें, बिग पोटैटो आने वाला, देखते हैं। एरन अपनी नानी के साथ जो है वो खूब मस्तियाँ लगा हुआ है और फेंटा पी रहा है। ये देखें, ये देखें, मम्मा ने इसको फेंटा देनी शुरू की है, फेंटा पीता है और मस्तियाँ कर रहा है और नानी की शामत। और ये हमारा बेक पोटैटो आ गया है। सॉसेजेस कॉर्न, एक और किस्म के कॉर्न हैं, दो किस्म के मैक्रोनीस और एरन पोटैटो खा रहे हैं। ये सैलेड है कोई, ये देखें मम्मा ने इसको आलू दिया और ये खा रहा है। लग बहुत यम्मी है। सो गाइस, हमने बेक पोटैटो खा लिया और अब हम बढ़ रहे हैं ब्लू बॉस की तरफ, जो आपको सामने दिख रही है। मज़े की बात ये है कि इसका नाम ब्लू बॉस इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसकी टाइल्स है वो ब्लू कलर की है, वरना इसका नाम जो है वो सुल्तान अहमद मॉस्क है। और इसको 1609 से 1616 के बीच में बनाया गया। सुल्तान अहमद द फर्स्ट ने इसको बनाया। जुम्मे की नमाज़ हो रही थी इसलिए हम अंदर नहीं जा सके और बाहर से ही देख के हमें जाना पड़ा। सो, शाम का हमारा प्लान है कि हम बॉस्फोरस क्रूज़ जो है बहुत फेमस, उस पे जाएंगे डिनर के लिए। और अभी हम जा रहे थे अपने होटल थोड़ा रेस्ट करने, उसके बाद शाम को आपको क्रूज़ की सैर कराएंगे। सो गाइस, हम रेडी हो गए हैं आज क्रूज़ डिनर पे जाने के लिए और अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। थोड़ी देर में गाड़ी आती है, तब तक मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। हम इधर खड़े हैं और ये जो सामने लोग हैं ये भी क्रूज़ पे जा रहे हैं। ये देखें, एरन रेडी है। आरू, अब रेडी हो क्रूज़ पे जाने के लिए? शिप पे जाओगे, नीचे पानी होगा। हाँ जी, गुगड़ी गुगड़ी गुगड़ी। हम बैठ गए हैं बस में, काफ़ी सारे लोग हैं तो बस अब हम जा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं क्या होगा, बस देखते हैं। तो हम पहुंच गए क्रूज़ पे और यहाँ तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया थी। हम एंटर हुए और जो हमारा गाइड था उसने हमें हमारी जगह पे बिठाया और स्टार्टर्स सर्व हुए हुए थे और मैंने और मम्मा ने स्टार्टर्स इन्जॉय किए और बाहर का व्यू देखें,
बहुत ही अच्छा काम लग रहा था, और जितना बाहर काम एनवायरनमेंट था अंदर उतना ही एक पार्टी एनवायरनमेंट था। तो इधर क्या क्या हुआ उसकी ग्लिम्स मैं आपको दिखाती हूँ। Kayı sürüyorum. Welcome to Istanbul. Welcome to the Orient Bosphorus Dinner Cruise. तो बहुत ही मज़े का इंट्रोडक्शन था, सब कंट्रीज़ के सॉन्ग्स प्ले हुए और फिर उन्होंने उधर के लोगों ने डांस किया, हमारा डिनर आ गया और हमने डिनर एंजॉय किया, साथ साथ और भी इंटरटेनमेंट थी।